हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, रुक जाओ 1 मिनट, चलो रिकॉर्डिंग अलाउ हो गया। अच्छा बेटा, तुम लोग जल्दी से पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे एक बार उसको रिवीजन करो तो फास्ट में जल्दी से। दिए तुमको हम 1 मिनट का टाइम, 1 से 2 मिनट, जल्दी से उसको देखो तो एक बार क्या क्या पढ़े थे हम लोग। बताओ, थ्योरम देख रहे थे ना, थ्योरम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 थ्योरम देख चुके हम लोग। क्या रिप्लाई देगा मेरे? हाँ सृष्टि वैष्णवी, हम लोग 4 थ्योरम देख चुके हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। हाँ देखो इसमें से, मेरा बात अब रिप्लाई देना बंद करो, तुम लोग रिप्लाई देना बंद करो, मेरे बात को सुनो ध्यान से। अब इस 4 थ्योरम में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड नंबर वाला थ्योरम है। थर्ड नंबर वाला थ्योरम जो ओरिजिन से पास हो रहा था, ax² + 2hxy + by² = 0, और हमको क्या था, h² - ab > 0। ये थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें दो केस लेते थे, केस 1 केस 2, और फिर लेके हम लोग प्रूव किए थे। आ रहा है यार सभी बच्चे को? बोलो। हाँ सभी बच्चे को याद है ये। हाँ तो उसमें टिक मार देना, थ्योरम नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट्स ऑफ व्यू से? बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से थ्योरम नंबर 3, और थ्योरम नंबर 4 को भी टिक मारना, थ्योरम नंबर 4। ये दोनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में थ्योरम भी आते हैं, ठीक है। तुमको थ्योरम भी दे देगा, बोलेगा इसको प्रूफ करके दिखाइए। तो हमको थ्योरम, एक एक थ्योरम हमको आना चाहिए कि उसको प्रूफ कैसे करते हैं, उसको लिखेंगे कैसे। लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चा तो समझ लेता है कि हाँ ऐसे ऐसे प्रूफ होता है, लेकिन लिख नहीं पाता है अच्छे से, अरेंज करके एक एक करके सारी चीज। लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग को क्या करना है कि घर में बैठ के 1 से 2 बार कम से कम उस चारों थ्योरम को, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 1 2 को भी, 1 2 थोड़ा सा कम मतलब इजी है, ठीक ना, वो आ जाएगा तो समझो कि सोना में सुहागा है बेटा। 1 नंबर थ्योरम अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए, और 2 नंबर थ्योरम अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तब तो ऐसे ही तुम लोग सॉल्व करके आ जाएगा, क्योंकि सबसे इजी है दोनों का दोनों थ्योरम। तो अपने को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, चारों थ्योरम को 1 से 2 बार खुद से बैठ के प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले बताओ। हाँ चलो, अब हम लोग थ्योरम नंबर 4 पढ़े थे, थ्योरम नंबर 4 हम लोग पढ़े थे, उसी को नीचे में नोट करके लिखेगा, दो कॉन्सेप्ट और से NOTE नोट करके लिखेगा। थ्योरम नंबर 4 के जस्ट नीचे में नोट करके, थ्योरम नंबर हम 4 एंगल हमारा थीटा है। हम लोग थ्योरम नंबर 4 क्या से कहते हैं, ये दो लाइन है, दोनों लाइन के बीच का एंगल हमारा थीटा है। ये मेरा लाइन 1 है, ये मेरा लाइन 2 है। लाइन 1 है, और लाइन 2 के स्लोप को हम, और यहां पर जो थीटा है, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, लाइंस ये दोनों लाइन के बीच का हमारा क्या है, थीटा हमारा एक्यूट एंगल है। तो यहां पर हम लोग क्या सीखें कि टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा, mod 2√h² - ab, और डिनोमिनेटर में a + b। क्या सीखे हम थ्योरम नंबर 4 में?
बताओ, यही चीज सीखे ना कि टेन थीटा इक्वल टू टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या होगा, ए प्लस बी होगा बेटा। हाँ चलो, हाँ अब देखो समझेगा यहां पर एकदम, ये यहां पर पूरा समझने का चीज है, पूरा समझना है तुमको। अब मेरा कहने का मतलब है, हम तुमको बोलेंगे अब पॉइंट नंबर वन, पहले इस चीज को लिख देंगे, इसके नीचे लिखेंगे पॉइंट नंबर वन। अब हम बोलेंगे कि ये लाइन वन और ये लाइन टू दोनों का दोनों आपस में पैरेलल हो गया। हम बोलेंगे लाइन वन पैरेलल लाइन टू, लाइन वन और लाइन टू पैरेलल हो गया, मतलब ये लाइन वन है और ये लाइन टू है, दोनों लाइन में पैरेलल हो गया, यही दोनों लाइन है। तो हम माने कि ये मेरा M2 है, तो मेरे को बताओ तो यहां पर थीटा कितना होगा, जल्दी से बता दो, दोनों लाइन आपस में पैरेलल, वो मेरा कितना लिया गौरव जीरो, यहां पर जो थीटा है बेटा ये मेरा जीरो हो गया, थीटा यहां पर क्या हो जाएगा जीरो। जब भी दो लाइन अगर पैरेलल हो गया तो तुमको समझना होगा कि यहां दोनों लाइन, क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो मतलब थीटा हमारा जीरो हो गया। और हम लोग सीखे हैं दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला, प्रूव भी किया है, टेन थीटा इक्वल टू मोड टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी। मेरे को बताओ अगर थीटा के जगह में यहां जीरो रखेंगे, थीटा के जगह में जीरो रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो। टेन जीरो का रिजल्ट, थीटा की जगह में जीरो रखेंगे, टेन जीरो कब होगा, मेरे को देखना है इस फॉर्मूला पर, इस फॉर्मूला पर ध्यान आना चाहिए। ये मेरा जीरो कब होगा, जब ये रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये मेरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। हम तेरे क्या होगा जीरो, बी तो भी क्या होगा जीरो, जीरो बाई वन तो भी क्या होता है जीरो, जीरो बाई टू डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए, हाँ डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ तेरे से कोई पूछ देगा जीरो बाई जीरो तो बेटा कभी भूल के मत बोलना जीरो, जीरो बाई जीरो क्या जीरो होगा, नहीं नहीं नो, ये सब चीज हम सिखाए हैं, कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा, कोई कोई बच्चा ज्यादा अंग्रेज बन जाए, सिखाए हैं हम, आए थे ये इनफिनाइट बाई इनफिनाइट याद आ रहा है, बोलो एक एक करके इसको एक्सप्लेन किए थे सयम, हाँ गौरव याद आ रहा है, हाँ तो इसको हम अनडिफाइंड भी नहीं बोलेंगे कृतिका, हाँ हाँ बहुत बच्चा इसको जीरो जीरो कट ए वन गधा, ये सब वन भी नहीं बोलेंगे, ठीक है जीरो बाई जीरो ना ही हमारा जीरो होगा ना ही वन होगा। चलो इस पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम यहां पर, हाँ अगर हमारा नॉमिनेटर में जीरो रहे, नॉमिनेटर में जीरो रहे, डिनोमिनेटर में सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, एक्स हो जाए, ए प्लस बी हो जाए, वन हो जाए, टू हो जाए, कुछ भी हो जाए तो आंसर मेरा जीरो ही आएगा। तो हमारा यहाँ थीटा के जगह हम रखेंगे जीरो तो आंसर मेरा देगा जीरो, जीरो कम होगा जब ये नॉमिनेटर वाला जो है ये हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर एच स्क्वायर
माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, कौन रखा बेटा? देखें उसको हम तुरंत रिमूव करते हैं। अभी ये सब चीज समझाना पड़े कि माइक ऑफ रखो, ये कि आज आज फर्स्ट टाइम तुम लाइव क्लास ऑनलाइन क्लास का उसके बाद ही समझदारी नहीं आया है ऑफ करना है, और खास करके मेरी क्लास में तो कभी ऑन ही नहीं रखना। देखिए फर्स्ट लाइन वन पैरेलल लाइन टू, दो लाइन पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का एंगल मेरा थीटा आएगा, तो थीटा जब दो लाइन पैरेलल होगा तो एंगल थीटा इक्वल टू जीरो आता है। जब हम जीरो रखेंगे यहां डिनोमिनेटर जीरो, तो यहां लाइन टू पैरेलल तो कंसीडर करना पड़ता है एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। हाँ सृष्टि निशा नोट करो बेटा, हाँ चल नोट करो, हाँ चल जल्दी से हो गया। चलो हाँ इसको भी नोट करेगा, ये लिखेगा, ये वाले को भी लिखेगा, इसको लिखने के बाद फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखेगा। हाँ चलो देखो, देखो बेटा पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, अब मेरे को बोला लाइन वन परपेंडिकुलर लाइन टू, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन टू, इस टाइप से कहीं भी से ये लाइन वन है, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होगा, जब यहां पर दोनों लाइन के बीच का एंगल हमारा कितना बनना चाहिए 9, बोलो होगा क्या बेटा? होगा ना, हाँ तो चलो जब थीटा की जीरो नहीं अनडिफाइंड हो जाता, आंसर मेरा क्या हो जाता है अनडिफाइंड। आंसर मेरा अनडिफाइंड होता है, या अगर हम 90 डिग्री रखेंगे तो इसका टेन नाइन अनडिफाइंड कब होता है, जब नॉमिनेटर जैसे एक्स वाई जीरो रहेगा तो हम अनडिफाइंड बोल सकते हैं, टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी हमारा वन बाई जीरो रहेगा इसको भी अनडिफाइंड बोल सकते हैं, टू बाई जीरो रहेगा तो इसको भी अनडिफाइंड बोल सकते हैं, नॉमिनेटर जीरो आना चाहिए। नॉमिनेटर दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, हर हाल में ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन को जीरो करना,
क्या बेटा समझ में आ रहा है मेरी बातों को? समझ रहा है कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, ए प्लस दोनों पॉइंट बहुत ही इंग्लिश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दोनों पॉइंट पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाता है, इस पर डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पर डायरेक्ट डायरेक्ट रहता है। हो गया सभी बच्चे का नोट? हो गया, हो गया, चलो वेरी गुड। अब देखो हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखे हैं अभी, और इस सारे कॉन्सेप्ट पर पहले हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? जितना कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग सीखे हैं करना है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो चलो बेटा आ जाओ क्वेश्चंस पर, इसको हटा दे बेटा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर देखो, एक्सरसाइज कहां पर आ जाएगा? 2.2 पॉइंट बोल रहा नहीं, 4.1, एक्सरसाइज 4.1 बेटा, एक्सरसाइज 4.1 निकाला, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बना चुके हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बना लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड बना चुके हैं ना, क्वेश्चंस भी बना लिए हैं। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चंस नंबर 3 में, 3 नंबर क्वेश्चंस को पढ़ो, क्या बोल रहा है? बोल रहा है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस। मेरे को बोला है लाइन है, मेरे को बोलना है क्या कि लाइन फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशंस लिखना है किसका? पेयर ऑफ लाइन का पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। पासिंग थ्रू ओरिजिन के बाद क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर। एकदम दिमाग में एकदम बैठाओ क्वेश्चंस को पढ़ के, क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर, मतलब लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहा है वो मेरा परपेंडिकुलर लाइन है, जो हमारे गिवेन लाइन दिया है, गिवेन लाइन का परपेंडिकुलर है। यहां पर दो लाइन है,
एक लाइन, ये लाइन वन है, ये मेरा लाइन टू है, ये दो लाइन है, दोनों लाइन मेरा ओरिजिन से पास कर, से पास कर रहा, और मेरे को बोल रहा है मेरे को क्या बोल रहा है, कंबाइंड इक्वेशंस को बताओ। अच्छा बेटा मेरे को तुम बताएगा, ये दोनों लाइन है तो दोनों लाइन जो है मेरे को बताओ तो इसका जब तक हम इक्वेशंस नहीं लिखेंगे क्या इसका कंबाइंड इक्वेशंस लिख सकते हैं क्या, बताओ मेरे को। क्या नहीं लिख सकते हैं? मेरे को सबसे पहला काम क्या करना होगा, सबसे पहला काम तुमको करना होगा कि इस दोनों लाइन का इक्वेशंस निकालना होगा। जो बच्चा इस दोनों लाइन का इक्वेशंस निकाल लिया समझो बेटा उसका काम हो गया, क्योंकि फिर तो वो उसको मल्टी बच्चे इसका इक्वेशंस ही नहीं लिख पाएगा, उससे कंबाइंड इक्वेशंस में कंबाइंड इक्वेशन नहीं निकाल पा। तो अपना सबसे पहला काम है सॉरी दोनों लाइन का हम पहले इक्वेशंस लिखे, इस दोनों लाइन लाइन वन लाइन टू इस दोनों लाइन का इक्वेशंस लिखे। तो देखो आप क्या दिया है क्वेश्चंस में कैसे लिखेंगे, देखो आप यहां सॉल्यूशंस हम लिख रहे हैं, लिखेंगे गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या दिया है 5x2 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर उठा रहे हैं, फर्स्ट नंबर 5x2 माइनस 8xy कंपेयर, इसको कंपेयर कर देना, कंपेयर विथ किससे कंपेयर करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन से कंपेयर कर देना, किससे कंपेयर करेंगे होमोजीनियस से। अच्छा होमोजीनियस इक्वेशन और ये लाइन को जब कंपेयर करेंगे बेटा तो देखो यहां से a इक्वल टू मेरा कितना हो गया 5, a की जगह में क्या दिया है 5, 2x इक्वल टू हो जाएगा बेटा मेरे को बता दो जल्दी से, देखे कौन बच्चा बताए 2x इक्वल टू, रिप्लाई देता मेरे को 2x, शिवम वेरी गुड, 2x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर माइनस 8 की जगह में 2h लिखा हुआ है, 2h इक्वल टू यहाँ कितना हो गया माइनस 8, तो यहाँ लिखेंगे क्या माइनस 8, इक्वल टू हो गया क्या प्लस 3। हाँ अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ले लेंगे लेट m1 एंड m2 बी द represented by क्या है 5x² माइनस 8xy प्लस क्या है 3y² इक्वल टू 0। हम लोग मान लिए m1 m2 जो है ये मेरा स्लोप है, किसका स्लोप है जो हमारा दिया हुआ है ये लाइन, इसी लाइन का स्लोप है, इस लाइन का क्या है हमारा स्लोप है m1 एंड m2, लिख दिए m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई इतना, ये लाइन का स्लोप हमारा क्या है m1 और m2। तो इसके नीचे लिखेंगे वी नोटेड, अच्छा तो बाद में वी नोटेड। अच्छा मेरे को बताओ क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये दोनों लाइन
इस लाइन के परपेंडिकुलर है, बोलो बोला है कि नहीं बोला है? क्वेश्चन से मैंने को क्या बोला है, ये दोनों लाइन इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। हाँ बेटा परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो मेरे को तुम बताओ इसका स्लोप, इस देखो इस लाइन, ये दो लाइन है, ये दो लाइन से मिलके बना है, इसका एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, तो लाइन वन का स्लोप क्या होगा बेटा मेरे को बताओ। तो हम उसके नीचे ये भी लिख सकते हैं, गिवन लाइन 5x² प्लस 3y² इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर टू लाइन वन एंड लाइन टू। ये हमारा दोनों, ये गिवन लाइन जो है, ये लाइन हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? इस दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मेरे को बताओ स्लोप ऑफ लाइन L1, L1 लाइन का स्लोप क्या होगा? अगर इसका स्लोप M1 है, परपेंडिकुलर M1 है और ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन वन, लाइन वन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या होगा बताओ? तो क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर हम बताएं कि नहीं? दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन, तो इसका स्लोप एम वन है, तो इसका स्लोप माइनस वन बाई एम वन होगा, माइनस वन बाई एम वन। निशा वेरी गुड, माइनस वन ही होगा। अच्छा इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस होगा, इस दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन आएगा, लेकिन एक लाइन का स्लोप m1 है तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस वन बाई एम वन। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस वन बाई एम वन, क्योंकि क्या है, परपेंडिकुलर है, माइनस वन बाई एम वन। आया बात समझ में? एम टू हमारा इस लाइन का स्लोप है, तो सेकेंड एम टू, क्योंकि सेकेंड लाइन भी इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन एल टू इक्वल टू माइनस वन बाई एम टू। आ रहा है बेटा समझ में बात? हाँ नोट कर लो जल्दी से फास्ट, हाँ नोट करो फास्ट। हम यहाँ साइड में सिर्फ लिखते हैं इसका रिजल्ट, ये हमारा 5 है, क्या कि काम आएगा मेरे को आगे, 2h इक्वल टू माइनस 8 है और b इक्वल टू 3 है। हो गया नोट? अब देखो जो नोट नहीं कर पा रहा है मेरे साथ, तो बाद में वीडियो को देख के नोट कर। अब लिखेंगे वी नो डेट। हम लोग जानते हैं कि m1 प्लस m2 सम ऑफ स्लोप क्या होता है, माइनस 2h बाई b, सिखाए हैं तेरे को, माइनस 2h बाई b। 2h कितना दिया है, माइनस 8, तो यहां मेरा माइनस है और फिर ये माइनस 8, अब b मेरे को कितना दिया है 3, माइनस माइनस से प्लस, ये क्या हो गया 8 बाई 3। इसके नीचे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2 a बाई b, a मेरा कितना दिया है क्वेश्चन में 5 और b कितना दिया है 3,
तो फाइव लाइन वन लाइन टू दोनों लाइन कहां से पास हो रहा है, कहां से हो रहा पास, देखो इसको, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, कहां से पास हो रहा है ओरिजिन से, ये मेरा क्या है ओरिजिन है। अच्छा तेरे को सिखाए थे हम लाइन ओरिजिन से पास होता है तो इक्वेशंस क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स होता है ना, ओरिजिन से पास होगा तो यही इक्वेशंस होता है। m क्या है मेरा माइनस वन बाई एम वन, एक बार और एक बार क्या है माइनस वन बाई एम टू। अब लिखेंगे इसके नीचे इक्वेशंस ऑफ लाइन, पहले लिख देंगे ऐसे लाइन वन लाइन टू दोनों लाइन हमारा कहाँ है ओरिजिन से पास कर रहा है, ऑफ लाइन ब्रैकेट में लाइन वन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू y इक्वल टू फर्स्ट लाइन है ना m, m के जगह में क्या होगा माइनस वन बाई एम वन इंटू एक्स, एम वन को इधर मल्टीप्लाई कर दो एम वन इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर उठा के लेकर आ जाओ तो एक्स प्लस क्या जाएगा एम वन वाई इक्वल टू जीरो। ये मेरा फर्स्ट लाइन का इक्वेशन। इसके बाद जस्ट इसके नीचे लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन, इक्वेशंस ऑफ लाइन ब्रैकेट में देना एल टू पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू ओरिजिन इज, ओरिजिन से पास होगा तो क्या होगा वाई इक्वल टू एम एक्स। सेकेंड लाइन का इक्वेशन एम कितना दिया है माइनस वन बाई एम टू टू माइनस एक्स, माइनस एक्स को इधर उठाएं, ये मेरा क्या है सेकंड लाइन का इक्वेशन, ये मेरा फर्स्ट लाइन, ये मेरा सेकंड लाइन। आया बेटा? हाँ तो हम दोनों लाइन का इक्वेशन लिख दिए हैं, इसका भी इक्वेशन इसका भी इक्वेशन लिख दिए हैं। अच्छा देखो बहुत बच्चे का माइंड में चल रहा होगा सर इसको क्यों लिखे पहले, अभी इसका यूज होगा, इसका यूज अभी हम करेंगे, देखना ना जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका यूज हो जाएगा वहां पर, इसलिए पहले हम निकाल के रख लिए हैं। आ रहा है बात समझ बेटा, इसको जल्दी से नोट करेगा फास्ट, हाँ कहेंगे टाइम भी नहीं बचा हुआ है, इसको खत्म भी करना है और होमवर्क भी देना है हमको जल्दी से, हो गया हाँ चलो ठीक है। अब लिखेंगे इसके नीचे अब लिखेंगे नाउ कंबाइन इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू ओरिजिन इज, ओरिजिन से दो लाइन जो पास हो रहा था उसका इक्वेशन दोनों लाइन यही था तो है क्या x इंटू एक्स प्लस एम वन वाई और फिर क्या था इंटू एक्स प्लस एम टू वाई इक्वल टू जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे इस x को इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, x को यहां पर करेंगे तो क्या आ जाएगा एम टू एक्स वाई, ठीक है दोनों से मल्टीप्लाई किया, एम वन को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एम वन इंटू एक्स वाई, एक्स वाई एम वन यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा एम वन इंटू एम टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो।
इस दोनों में से एक्स वाई हम कॉमन ले सकते हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर फिर प्लस, दोनों में से एक्स वाई हम कॉमन ले लिए, यहां बचे क्या एम टू प्लस एम वन और फिर प्लस एम वन इंटू एम टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप आया और यहां पर सम ऑफ स्लोप आया, देखो ध्यान से बोलो आया कि नहीं आया। हाँ आया देखो, इसलिए हम पहले निकाल लिए थे वहां पर m1 प्लस m2 कितना निकाले थे बताओ जल्दी से मेरे को, कितना था 8/3, कितना था 8/3 था ना, 8/3 सम ऑफ स्लोप कितना था जल्दी बताओ। हाँ 8/3, ये हो गया x स्क्वायर प्लस इसके जगह हम रखेंगे 8/3 एक्स वाई फिर प्लस m1 into m2 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना आया था बेटा, प्रोडक्ट हमारा आया था 5/3 श्रुति 5/3, यहाँ हो गया 5/3 वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब एलसीएम ले लो, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 1 3 3 एलसीएम क्या हो गया 3, यहाँ 1 है तो ये 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो 3x² 3 है, डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो नॉमिनेटर सेम हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया 8xy 3 है, यहाँ भी 3, डिनोमिनेटर सेम हो गया है दोनों का तो नॉमिनेटर सेम हो जाएगा 5y² इक्वल टू जीरो। इस 3 को यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0 से करेंगे तो 0, यहाँ बचेगा क्या 3x² प्लस 8xy और फिर बचेगा क्या 5y² इक्वल टू जीरो, ये मेरा आ गया कंबाइंड इक्वेशंस, देख सकता है अपना आंसर। क्या बेटा समझ में आया सृष्टि? हाँ अच्छा आ रहा है समझ में सभी को, शिवम अनुश्री गौरव। हाँ नोट करो बेटा फास्ट में, तृप्ति जल्दी से नोट करो, तृप्ति हो गया। हो गया चलो ठीक। हाँ तो समझ में आया कैसे हम किए सॉल्व, किस टाइप से हम सॉल्व किए समझ में आया बेटा, क्या आ गया होगा समझ में? हाँ देखो इसका एक और मेथड है, इसका एक और मेथड है, डायरेक्ट भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक और मेथड है, सेकंड मेथड एक और है, ठीक है। तो तुम्हारा काम क्या है कि जो अभी हम सिखाए हैं इसी मेथड से, ठीक है, इसी मेथड का हेल्प लेके क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड नंबर 3 नंबर 4 नंबर 3 को है, वो तीनों क्वेश्चंस भी क्या बोला है मेरे को परपेंडिकुलर है। अच्छा देखो सब काम बराबर होगा, ये वाला इक्वेशंस ना तीनों में आएगा, सिर्फ हमारा चेंज क्या होगा, कहेंगे देखो सब लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है और सब हमारा परपेंडिकुलर है।